हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट ईयर 2018-19 लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। ए जॉब कंसिस्ट ऑफ 4 वर्क एलिमेंट एंड ऑल आर परफॉर्म बाय द सेम ऑपरेटर। एन एनालिस्ट कंडक्टेड द वर्क सैम्पलिंग टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब। द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी In one day with two shift, each shift has 420 minutes of effective time. The details of the observation are summarized in the following tables. The total number of acceptable units produced during the study period is 225 units. Determine the standard time by assuming the allowances of 12%. So, पहले डाटा देख लेते हैं कि क्या क्या है। So here we have work element 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस फॉर फर्स्ट एलिमेंट 50, 90, 75 एंड 85। सिमिलरली परफॉर्मेंस रेटिंग गिवन 90%, 150%, 100% एंड 105%। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा एक टेबल बना लेंगे। सो द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट कॉलम बिलोंग टू योर वर्क एलिमेंट नंबर, दैट इज 1, 2, 3, 4 वर्क, सॉरी परसेंटेज ऑफ वर्किंग सेकेंड कॉलम, द थर्ड कॉलम बिलोंग टू नॉर्मल टाइम्स एंड द लास्ट वन इज स्टैंडर्ड टाइम्स। सो चाहिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले टोटल सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 50 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 85, दैट इक्वल्स टू 300। और क्वेश्चन से हम लोग लिख लेंगे यहां पे डाटा गिवन, सो टोटल टाइम दिया हुआ है, सॉरी फर्स्ट वन इज टोटल टाइम गिवन, दैट इज 420 मिनट्स और यहां पे हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया 300। सो चलिए पहले परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैलकुलेट करते हैं। सो परसेंटेज ऑफ वर्किंग का फॉर्मूलाज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस सेशंस, दैट इज 50 डिवाइड बाय टोटल और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस इनटू 100। जो आपका रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 डिवाइड बाय 300 इनटू 100, सो ये हो जाएगा 16 प्लस 0.6%। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकंड का दिया हुआ 90 डिवाइड बाय 300 इनटू 100, दैट इक्वल्स टू 30%। सिमिलरली थर्ड का कैलकुलेट करेंगे, सो फ्रीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस गिवन है 75 डिवाइड बाय 300 इनटू 100, दैट इक्वल्स टू 25%। सिमिलरली फोर्थ वन कैलकुलेट करेंगे, सो फोर्थ वन गिवन है 85 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, दैट इक्वल्स टू 28.3%। हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला है टोटल टाइम। सो टोटल टाइम हम लोग क्वेश्चन में गिवन है 420 मिनट्स। पहले फॉर्मूला बोल देता हूँ, टोटल टाइम इंटू परसेंटेज ऑफ वर्किंग इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल यूनिट प्रोड्यूस। सो इफ यू गोज फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल टाइम फॉर फर्स्ट वर्क एलिमेंट, सो टोटल टाइम हमारा 420 है और एलिमेंट वन का परसेंट ऑफ वर्किंग है 0.,  अगर इसको कन्वर्ट में करें 90% इज गिवेन, दिस वन इज 90%। सो इसको परसेंटेज में लिख लेते हैं 0.9 डिवाइड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस गिवन, दैट इज 225। सो ये हो जाएगा हमारा 0.278। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर द सेकेंड एलिमेंट, टोटल टाइम गिवन 420, देन इस 30% को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में 0.3 एंड इसका है 150, सो विल राइट 1.5 डिवाइड बाय 225।
सो ये आंसर हो जाएगा 0.84। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर द थर्ड एलिमेंट, 420 25% दिया हुआ है, वी कैन राइट इन टू 0.25 इंटू 100% दिया हुआ है थर्ड एलिमेंट का, सो वी कैन राइट 1 डिवाइड बाय 225, दैट इक्वल्स टू 0.466। द नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे फोर्थ एलिमेंट का, 400 420 इंटू ये है 28.3, सो उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.283 इंटू 1.15 डिवाइड बाय 225, सो 115 यहाँ पे परसेंट दिया फोर्थ एलिमेंट का, सो ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 0.607। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड टाइम, सो स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला है नॉर्मल टाइम इंटू अलाउंस फैक्टर, सो अलाउंस फैक्टर यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस परसेंट अलाउंसेस, सो परसेंट अलाउंसेस है हमारा 12%, सो पहले ए एफ निकाल लेते हैं, ए एफ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस परसेंट अलाउंसेस, दैट मीन्स 0.12, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0.88। सो स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला है दैट इज नॉर्मल टाइम इंटू अलाउंस फैक्टर, सो नॉर्मल टाइम गिवन है प्रीवियस का 0.278, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया 0.88, सो दैट इक्वल्स टू 0.31, ये हो गया पहला एलिमेंट का। सो सेकेंड एलिमेंट में हम लोग बस मल्टीप्लाई करेंगे अलाउंस फैक्टर को, सो सेकेंड एलिमेंट है 0.84 डिवाइड बाय 0.88, ये हो जाएगा हमारा 0.95। देन फॉर थर्ड एलिमेंट 0.466 डिवाइड बाय 0.88, दैट इक्वल्स टू 0.52, और लास्ट एलिमेंट का हो जाएगा, वी हैव प्रीवियसली कैलकुलेट द नॉर्मल टाइम दैट इज 0.607 डिवाइड बाय 0.88, तो ये हो जाएगा 0.68। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे, सो फर्स्ट एलिमेंट का हम लोग कैलकुलेट किए इतना, ये है सेकेंड एलिमेंट का, ये है थर्ड एलिमेंट का और ये है फोर्थ एलिमेंट, सो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2.46, यही है हमारा आंसर फॉर स्टैंडर्ड टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स, थैंक यू।